एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितनी चीजों में मास्टर हो सकता है? दो, चार, छः? आज मैं आपको एक ऐसे जीनियस के बारे में बताता हूँ जिसे इतने विषयों में मास्टरी हासिल थी जितने कि किसी स्कूल्स कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ाए जाते। लियोनार्डो दा विंची एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, स्कल्प्टर थे, इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, राइटर थे, हार्मोनिस्ट थे और एक स्किल्ड मैकेनिस्ट थे। इसके अलावा भी उन्हें एनाटॉमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी और हिस्ट्री का बहुत ज्ञान था। लियोनार्डो दा विंची को इस दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में 19 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 19, लियोनार्डो दा विंची एम्बिडेक्स्ट्रस थे। वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो एक ही टाइम में एक हाथ से लिख सकते थे और साथ साथ दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। नंबर 18, दा विंची बड़ी ही आसानी से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है। अगर किसी को दा विंची का लिखा पढ़ना था तो उसे चाहिए था कि उनका लिखा हुआ वो शीशे के सामने ले आए और तब वो उसे बड़ी आसानी से पढ़ सकता था। कहा जाता है कि इस तरह से दा विंची उन्हीं बातों को लिखते थे जिन्हें वो राज रखना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मिथ है कि वो अपनी राज की बातों को छुपाने के लिए उल्टा लिखते थे, क्योंकि दा विंची का लिखा हुआ ज्यादातर मिरर राइटिंग में ही मिलता है, क्योंकि उनके लिए इस तरह से उल्टा लिखना बेहद आसान था। नंबर 17, 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की बुक कोडेक्स हैमर को $30 मिलियन में खरीदा था। यह बुक दा विंची की साइंटिफिक राइटिंग्स का कलेक्शन है। इसे भी दा विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा है। बिल गेट्स ने इस बुक के कुछ पेजेस को विंडोज 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में भी इस्तेमाल किया था। 3 साल बाद उन्होंने इस हिस्टोरिक डायरी का डिजिटल वर्जन पूरी दुनिया के लिए रिलीज कर दिया था। नंबर 16, कहा जाता है कि दा विंची ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर कब्र खोदकर शव को निकाल लाते थे और फिर उसको स्टडी करते थे। ये कहा जाता है कि उन्होंने करीब 30 शवों को निकाल लिया था। नंबर 15, ये दा विंची के द्वारा इंसान के हाथों के बनाए गए चित्र हैं। आज से 500 साल पहले दा विंची ने इंसान के इनर बॉडी पार्ट्स के बिल्कुल स्पष्ट चित्र बना दिए थे। नंबर 14, दा विंची की दो पेंटिंग्स काफी फेमस हैं। मोनालिसा को तो आप सभी जानते ही होंगे। दूसरी फेमस पेंटिंग है द लास्ट सपर। इस पेंटिंग में दा विंची ने जीसस को सूली दिए जाने से पहले उनको आखिरी भोजन करते हुए दिखाया है। नंबर 13, द लास्ट सपर पेंटिंग में एक छोटी सी मिस्टेक है। गौर से देखने से पता चलता है कि खाने में ईल के साथ ऑरेंज स्लाइस रखी हैं। लेकिन जीसस को सूली दिए जाने के कई सदियों बाद तक भी मिडल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे। फिर जो चीज जीसस के टाइम में थी ही नहीं, उसे वो भला कैसे खा सकते हैं? दरअसल 16th सेंचुरी में यानी दा विंची के टाइम में ईल के साथ ऑरेंज स्लाइसेस खाना इटली में एक बेहद कॉमन डिश थी और इसलिए पेंटिंग में भी दा विंची ने इसे बना दिया था। नंबर 12, यकीन करना मुश्किल है, दा विंची ने 16th सेंचुरी में ही कई बड़े आविष्कार कर लिए थे। उन्हें पैराशूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और टैंक जैसी इन्वेंशंस के लिए क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने 16वीं सदी में ही इन सब चीजों के डिजाइन तैयार कर लिए थे। नंबर 11, हम लियोनार्डो को एक परफेक्शनिस्ट के तौर पे जानते हैं, लेकिन वो एक प्रोक्रास्टिनेटर थे। वो अपने काम में टालमटोल करते थे। यही वजह है कि उनकी बहुत सी पेंटिंग्स, राइटिंग्स और इन्वेंशंस अनफिनिश्ड हैं, जिनको वो पूरा नहीं कर पाए। दा विंची के बाद उनके बनाए गए कई डिजाइंस के आधार पर कई इन्वेंशंस किए गए। नंबर 10, लियोनार्डो दा विंची और निकोलो मैकियावेली, जो कि दा विंची के टाइम के ही एक इटालियन फिलोसोफर थे। एक बार इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि इटली के पिसा शहर में बहने वाली अर्नो नदी का डायरेक्शन यानी फ्लो बदलेंगे। दोनों ने काफी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। नंबर 9, अर्नो वैली नाम की यह ड्राइंग दा विंची की सबसे पहली ड्राइंग है।
इसे उन्होंने 1473 में बनाया था। नंबर 8, दाविंची कभी स्कूल नहीं गए। सिर्फ लिखना और पढ़ना सीखने के अलावा उन्हें किसी भी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। हालांकि उनके पिता उनके आर्टिस्टिक टैलेंट से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने दाविंची को इटली के एक पेंटर अंद्रिया डेल विरोकियो के पास पेंटिंग सीखने के लिए भेजा। इसके अलावा उन्हें जितने भी विषयों का ज्ञान था वो दाविंची ने खुद हासिल किया था। नंबर 7, दाविंची आज से 500 साल पहले हुए हैं, लेकिन वो अपने टाइम से काफी आगे थे। उस जमाने में भी उन्होंने जानवरों पर होने वाली क्रूरता को रोकने के प्रयास किए। जानवरों के लिए अपने प्यार के बारे में उन्होंने लिखा है, अगर इंसान आजादी चाहता है तो पशु पक्षियों को पिंजरे में क्यों रखता है। सच, इंसान क्रूरता में सबसे आगे है। हम दूसरों की मृत्यु पर जीते हैं। दाविंची पिंजरे में बंद पक्षियों को सिर्फ इसलिए खरीद लेते थे ताकि उन्हें आजाद कर सकें। नंबर 6, 13वीं से 16वीं सदी में यूरोप में जो पुनर्जागरण काल चला था, उस युग में दाविंची उन पहले सेलिब्रिटीज में से थे जिन्होंने शाकाहार को सपोर्ट किया था। नंबर 5, दाविंची वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है और नीला रंग बाकी रंगों के कंपेयर में ज्यादा फैलता है। यही वजह है कि हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। नंबर 4, कॉन्टैक्ट लेंसेज का आइडिया सबसे पहले लियोनार्डो दाविंची को ही आया था। नंबर 3, दाविंची को जो भी बात जानने को मिलती उसे वो फौरन लिख लेते थे। वो इटली के गांव गांव घूमकर वहां की सुंदरता को अपने सुंदर चित्रों में उतारते थे। अगर वो किसी इंसान के चेहरे का चित्र बनाना चाहते थे तो पूरा दिन उसके पीछे घूमते रहते थे, जिससे कि उन्हें उस इंसान का चेहरा अच्छे से याद हो जाए। फिर घर जाकर ऐसे चित्र बनाते थे मानो वो व्यक्ति उनके सामने ही बैठा है। वो कहते थे, किसी भी चित्रकार को एक आईने जैसा होना चाहिए, उसे अपने सामने की चीज को हूबहू बनाना आना चाहिए। नंबर 2, दाविंची उनका सरनेम नहीं है बल्कि विंची इटली का एक शहर है और लियोनार्डो इसी शहर में जन्मे थे। दाविंची का मतलब होता है ऑफ विंची, यानी जो विंची शहर का हो। नंबर 1, लियोनार्डो दाविंची के अंतिम शब्द थे, मैंने भगवान और इंसानियत को नाराज किया है, मैं अपनी जिंदगी का जितना सदुपयोग कर सकता था उतना नहीं कर पाया। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। दाविंची की ये बातें अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी दाविंची के बारे में क्या राय है।